महेश नाम का आदमी गांव से शहर में आया अपनी फैमिली के साथ। उसके दो बच्चे हैं, गुड्डू और गुड़िया। गुड़िया सोफे पे बैठी थी, तभी गुड्डू आया और बोला, दीदी चलो कोई गेम खेलते हैं। दीदी चलो पार्क में खेलने, दो दिन से पार्क नहीं गए हैं। तुम जाओ अपने दोस्तों के साथ खेलने, मैं जा रही हूँ टीवी देखने। गुड्डू और गुड़िया बात कर ही रही थी कि उसकी मम्मी वहाँ आ गई। गुड़िया झट से खड़ी हो गई। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो, चलो पढ़ाई करो, खेल कूद पर ध्यान मत दो, जाओ मन लगाकर पढ़ाई करो। मम्मी हम दोनों का पढ़ाई करके हो गया है, थोड़ा देर टीवी देखो। हाँ थोड़ी देर टीवी देख लो। इतना कहकर मम्मी किचन में चली जाती है। गुड्डू और गुड़िया टीवी देखने लगते हैं। गुड़िया थोड़ी देर टीवी देखी और बोली, गुड्डू रिमोट मुझे दे, आज मैं अपनी पसंद का पिक्चर देखूंगी। गुड्डू बोला, नहीं आज मैं क्रिकेट देखूंगा। गुड्डू तू रोज अपने पसंद से देखता है, आज मुझे मेरे पसंद के देखने दे। दीदी आज मैं मेरे पसंद का ही देखूंगा, तुम मुझे मेरे पसंद का नहीं देखने देगी तो पापा को बोल दूंगा। मार पीट करने लगे। ये झगड़े की आवाज़ सुनकर मम्मी किचन से आई। तुम लोग क्यों शोर मचा रहे हो, झगड़े की आवाज़ किचन तक आ रही है। क्यों झगड़ते हो दोनों, तुम्हें डांट सुनने में अच्छा लगता है, तुमने सोच लिया है कि मम्मी का डांट खाना ही है। तुम्हारी शिकायत करूंगी, झगड़ा करना बुरी बात है, तुम्हारी रोज की झगड़े से परेशान हूँ मैं, समझा समझा के थक गए, तुम दोनों पर कोई असर नहीं होता है, आज मैं तुम्हारे पापा से तुम्हारी शिकायत करूंगी। मैं कब से देख रहा हूँ तुम बच्चों को डांट रही हो, बच्चे ने ऐसा क्या किया जिसे तुम्हें इतना गुस्सा आया, बच्चों को डांटना बंद करो और प्यार से समझाओ, बच्चे है समझ जाएंगे, उन्हें डांटना कम करो अपने आप समझ जाएंगे। आपको लगता है कि बच्चे अपने आप समझ जाएंगे, आपको लगता है बच्चों को मैं समझती ही नहीं, बिना गलती के डांटती रहती हूँ, खुद बच्चों पर ध्यान देते नहीं और